तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। और आज मैं आप लोगों को ड्राइव करके दिखाने वाला हूँ स्कोडा ऑक्टेविया, और इसमें आप लोगों को 2000 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो कि आप लोगों के 7 स्पीड ऑटोमेटिक डीएसजी ट्रांसमिशन के साथ आता है ये। और इसको ड्राइव करके देखने वाले 188 bhp निकालता है और 320 nm का टॉर्क। आप लोगों को डीलरशिप का नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में किसी भी तरह की क्वारी के लिए, अगर इनकेस अगर आप रायपुर में रहते हैं तो। और इसका पूरा डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बना चुका है, तो वो आप लोगों को मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और ये केवल ड्राइव वीडियो रहेगा। तो सबसे पहले मैं अपना सीट बेल्ट लगा लेता हूँ गाड़ी का। तो चलिए दोस्तों मैंने सीट बेल्ट लगा लिया और गाड़ी आप लोगों को काफी रिफाइंड देखने को मिलता है इंजन गाड़ी का, और बोनट आप लोगों को दिखाई देता है गाड़ी का सेडान होने के बाद भी, तो काफी अच्छी चीज है। और एक्सीलरेशन की बात करें गाड़ी की, तो एकदम एक्सीलेटर में पैर रखते ही आप लोगों को इंजन की तरफ से काफी पुश आता है, काफी पावरफुल इंजन देखने को मिलता है आप लोगों को। और स्कोडा है तो क्वालिटी में आप लोग देख सकते हैं किसी भी तरह का आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता। बॉडी रोल गाड़ी में आप लोगों को देखने को नहीं मिलता क्योंकि सेडान है और प्रॉपर आपके कंट्रोल में चलती है गाड़ी जो है पूरी। ब्रेकिंग भी गाड़ी को में काफी अच्छी देखने को मिलती है आप लोगों को, और चेसी आप लोगों की जैसे अचानक से कुछ भी चीज आए तो पूरे सपोर्ट में रहती है। सस्पेंशन की तो बात आप दोस्तों, काफी अच्छा सस्पेंशन देखने को मिलता है, मतलब इससे ऊपर लेवल की जो सेगमेंट में गाड़ियां आती है उससे भी अच्छा आप लोगों को उसमें देखने को मिलता है सस्पेंशन, जो इसका व्हील ट्रेवल है और सस्पेंशन के बीच में, तो वो आप लोगों को काफी अच्छा देखने को मिलता है। पूरे कंट्रोल में चलती है गाड़ी, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सस्पेंशन इतने अच्छे हैं गाड़ी में कि गाड़ी अनइवन रोड होने के बाद भी स्टेबल चलती है काफी, तो ये काफी अच्छी चीज है गाड़ी के लिए। और अगर स्टेयरिंग की फीडबैक की बात करें तो जैसे स्पीड मैंने अभी बढ़ा दी सडनली, तो स्पीड बढ़ने के बाद जो स्टेयरिंग में वेट आ जाता है, और इनिशियली भी लो स्पीड में भी थोड़ा वेट रहता है जो कि कॉन्फिडेंस काफी अच्छा देता है गाड़ी चलाने में, और काफी स्टेबल चलती है गाड़ी। ओवरऑल पूरे कंट्रोल में है, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती कहीं पे भी। आउटसाइड ओआरएम की जो मिरर की साइज दी गई वो भी काफी अच्छी देखने को मिलती है, विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। और स्टेयरिंग का जो फीडबैक है वो आप लोगों को काफी अच्छा देखने को मिलता है, मतलब शायद ही कोई और गाड़ी में इतना अच्छा आप लोगों को फीडबैक देखने को मिलेगा इस सेगमेंट में। प्रॉपर आप लोगों के कंट्रोल में चलती है, और कटिंग की भी अगर बात करें तो काफी अच्छे से कट हो जाती है गाड़ी, आप लोग देख सकते हैं। और जैसे ही आप एक्सीलेटर देते हैं तो डीएसजी की खासियत यही होती है कि आप लोगों को अगर आप टॉर्क कन्वर्टर से कंपेयर करें तो इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है डीएसजी का, क्योंकि इसके जो स्मूथ रहते हैं काफी गियर आप लोगों को शिफ्ट होते हैं, पता नहीं चलता है अंदर, चाहे आप एक्सीलेटर इनिशियली भी प्रेस करें तो भी। और यहां से दोस्तों आगे से मैं गाड़ी का यू टर्न भी लेके देख लूंगा, तो वो भी देख लेंगे कि कितने कम उसमें घूम जाती है गाड़ी। तो ये आप लोग देख सकते हैं टर्निंग रेडियस भी जो है गाड़ी की काफी कम देखने को मिलती है, कि गाड़ी की जो लेंथ है वो काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलती है क्योंकि एक प्रॉपर सेडान है। ये रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं, इसी चीज के लिए स्कोडा जाना जाता है। और अंदर बैठने के बाद जो ये प्राइस में गाड़ी आती है वो आप लोगों को पूरे वर्थ लगेंगे, क्योंकि क्वालिटी में कहीं भी आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलता है, काफी अच्छी सारी चीजें। डैशबोर्ड का आप लोग मटेरियल देख सकते हैं, यहाँ पे भी इनफैक्ट आप लोग को लेदर देखने को मिलता है गाड़ी में। तो अगर आप लोग एक लग्जरी सेडान ढूंढ रहे हैं 30-32 लाख के बजट में, तो काफी अच्छी गाड़ी आप लोगों को देखने को मिलती है स्कोडा ऑक्टेविया। ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कटिंग में भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती है गाड़ी में, और जो इंजन की तरफ से रिस्पॉन्स आता है वो काफी 188 bhp मतलब की, और 320 nm का टॉर्क आप लोगों को काफी लो आरपीएम से देखने को मिलता है गाड़ी में। और जैसे ही आप लोग देख सकते हैं इनिशियल एक्सीलेटर मैंने प्रेस किया तो सीट के पीछे जो है गाड़ी पुश कर देती है, इंजन की तरफ से इतना अच्छा आप लोगों को रिस्पॉन्स देखने को मिलता है गाड़ी में। और रोड से जो है दोस्तों आप लोगों को काफी चिपक के चलती, काफी कॉन्फिडेंस आता है गाड़ी चलाने में। अब ये देख सकते हैं कि 70-80 की स्पीड में काफी इनिशियली गाड़ी आ जाती है, मतलब बिना किसी परेशानी के। इंजन काफी रिफाइंड देखने को मिलता है,
और जो गियर शिफ्टिंग है वो भी, और अगर आप लोगों को इंजन की भी नॉइज नहीं आई, अगर आप हाई स्पीड में भी जाएंगे तो केबिन आप लोगों को काफी कम नॉइज करता है, मतलब बिल्कुल नॉइज नहीं आएगी इंजन की केबिन के अंदर। और ये मैंने यहाँ पे पिकअप आप लोगों को लेके दिखा रहा हूँ, 3000 आरपीएम तक गाड़ी रैप करती है, पूरा एक्सीलेटर मैंने नहीं दबाया अभी भी। और ये आप लोग देख सकते हैं कॉर्नर में काफी कंट्रोल में चलती है गाड़ी, स्टेयरिंग इसका वाकई में काफी अच्छा देखने को मिलता है, मतलब इस सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियां आती जो कि ऑक्टेविया से कंपैरिजन करती है उनका किसी भी गाड़ी का इस लेवल का स्टेयरिंग का फीडबैक नहीं देखने को मिलेगा आप लोगों को। कॉर्नरिंग देख सकते हैं हम लोग गाड़ी की, काफी अच्छी कटिंग देखने को मिलती है, और ब्रेकिंग जस्ट आप प्रेस करते हैं ब्रेक और आप लोगों की गाड़ी जो है काफी इनिशियली रुकती है। और अनइवन रोड में भी सस्पेंशन काफी आप लोगों का अच्छे से काम करता है गाड़ी में, और अंदर अभी भी कोई नॉइज नहीं आ रही, जो आप लोगों को आ रही है थोड़ी बहुत वो एसी की नॉइज आ रही होगी, और एसी भी जो है गाड़ी का काफी अच्छे से वर्क करता है। अब जैसे यहाँ पे ये ब्रेकर की बात करें या छोटी मोटी चीजें, तो गाड़ी में अंदर आप लोगों को बिल्कुल पता नहीं चलता, सस्पेंशन गाड़ी के काफी अच्छे से ट्यून किए हुए स्कॉडा ने। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये सिडैन होने के बाद भी बोनट आप लोगों को दिखाई देता है गाड़ी में। तो दोस्तों अब गाड़ी को आप लोगों को मैं पिकअप लेके दिखाऊंगा, तो आप लोग देख सकते हैं एक्सीलेटर दबाते ही काफी अच्छा पिकअप देखने को मिलता है, जो इंजन का रिस्पांस है गाड़ी की तरफ से वो काफी अच्छा देखने को मिलता है। और अनइवन रोड्स में भी आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छे से परफॉर्म करती है गाड़ी। और अंदर बैठने के बाद प्रॉपर आप लोगों की लग्जरी फील आती है गाड़ी में। कॉर्नरिंग भी देख सकते हैं आप लोग, गाड़ी काफी अच्छे से मैन्यूवर होती है, सिटी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी गाड़ी चलाने में, क्योंकि जो विजिबिलिटी वाइज गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। ये देख सकते हैं अनइवन रोड में, अब यही रोड में मैं एसयूवी कुछ टेस्ट किया, जैसे बुलेरो में यहाँ पे लेके आया था तो वो तो अलग बात है, लेकिन गाड़ी जो है ये बिल्कुल काफी अच्छा सस्पेंशन देखने को मिलता है, इसके सस्पेंशन की जितनी तारीफ करेंगे उतनी कम है, इतना अच्छा देखने को मिलता है। पिकअप आप लोग देख सकते हैं दोस्तों गाड़ी का काफी अच्छा देखने को मिलता है, अभी मैं इसको ओवरटेक करने वाला हूँ गाड़ी को, ये आप लोग देख सकते हैं काफी इनिशियली जो है 90 की स्पीड में आ गई है गाड़ी, और काफी अच्छे से परफॉर्म करती है, मतलब पावर की भी आप लोगों को किसी भी तरह की कमी नहीं लगेगी। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा मेरा स्कोडा ऑक्टेविया का ये वीडियो मुझे कमेंट्स में बताइए, साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोग और ऐसी वीडियो देख सकें।